अब जब गीत वहाँ पड़े हुए हैं तो कथा हो रही है तीन जगह, काक भूषण जी भी सुना रहे हैं गरुड़ को, तो गरुड़ जो हैं बड़े विद्वान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए उनको आश्चर्य हो जाता है। गरुड़ कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि रावण सीता जी को कैसे हरने के लिए आया और सीता जी का हरण करके कैसे लिया। वो कहने लगे काकभूषण जी क्या संदेह हो रहा है आपको। कहते जाके बल सुर असुर डरा है, निसी न नींद दिन अन्न न खाई। इतना बलवान राजा जिसके डर की वजह से देवता भी कांपते हैं, असुर भी कांपते हैं, और ये सब कांपने के इतना डर है कि निसी न नींद, रात को कोई सोता नहीं, पता लग जाए रावण आ रहा है तो उठ उठ के भाग जाते हैं डर के मारे। और कहते दिन में अन्न खाने बैठते हैं और पता लग जाए इधर से रावण आ रहा है तो रोटी छो छो को भाग जाते हैं। इतना बलवान राजा जिसके डर से देवता भी असुर भी कांपते हैं सारे, और सोई दस कंठ वही राजा स्वान की नाई, आज शेर की तरह गरजने की बजाय कि शेर की तरह गरजता हुआ आता, इतना बलवान राजा है वो, आज कुत्ते की तरह से, जैसे कुत्ता जब झूठे बर्तनों में मुंह डालने जाता है तो देखता है कोई मुझे मारे मुरे नहीं तो छुप करके जाता है वो, तो सोई दसकंठ इतना बलवान दसकंठ वो कुत्ते की तरह स्वान की नाई इत उत तकत करण भड़ियाई, जैसे कुत्ता भड़ियाई करने भांडों में मुंह डालने जाता है झूठे बर्तनों में और वो इधर उधर तकता है कि कोई मुझे मारेगा तो नहीं, तो वही रावण आज कुत्ते की तरह से क्यों जा रहा है, उसे तो शेर की तरह गरजना वहाँ है। तो काकभूषण जी कहने लगे गरुड़ जी ये रावण की बात नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की बात है। वो कहने लगे भारतीय संस्कृति की क्या बात है। कहते जे कुपंथ पग दे खगेशा और रह न तेज तन बुद्धि बल लेशा, ये भारतीय संस्कृति है। जो आदमी भी कुमार पर कदम रखेगा, कुपंथ पर चलेगा, कोई बुरा काम करने के लिए जा रहा है तो जैसे ही वो कुपंथ पर पैर रखेगा रहना तेज, तो उसके चेहरे पे हवाइयाँ तेज खत्म हो जाएगा, उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगेंगी। किसी ने ज़रा सा भी पकड़ लिया तो देखेगा उसके चेहरे पर तो एकदम घबराहट आ गई, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। तो कहते काकभूषण जी कहते हैं कि गरुड़ जी भारत की संस्कृति है, ये रावण के लिए नहीं है कि भाई रावण कुत्ते की तरह क्यों जा रहा है, ये हरेक के लिए है कि जो भी जो कुपंथ पग देई खगेशा, जो भी आदमी कुमार की तरफ चलेगा कुपंथ पर चलेगा तो रहे ना तेज तन, उसके चेहरे पर तेज नहीं रहेगा, हवाइयाँ उड़ने लगें और बुद्धि बल लेशा, उसकी बुद्धि का बल भी हरण हो जाएगा। किसी ने उसको पकड़ लिया कहाँ क्या कर रहे हो तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी तेज, और कहेगा मैं तो जी वो मूँगफली लेने जा रहा था। अबे मूँगफली लेने जा रहा था दरवाज़ा इधर को, तू तो इधर स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है उस आदमी की और चेहरे पर से उसके सारा तेज उड़ जाता है, हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। तो आज रावण क्या कोई और इससे भी बड़ा बलशाली आदमी हो, जब भी कुपंथ पर चलेगा उसकी यही हालत होगी जो आज रावण। और राम जो है सीता जी को खोजते हुए जा रहे हैं तो आगे चले गीदपति, देखा गीद पड़ा हुआ है और ये कर रहा है राम जल्दी आओ राम जल्दी आओ। तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि देखो ये कौन है राम राम कह रहा है, तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई ख़ास आदमी है। तो हो गए उन्होंने कहा जी गीद है ये। और राम ने गीद को जो देखा क्या अरे जटायु क्या बात है, कहने लगे महाराज रावण से पाप से अनाचार से लड़ते हुए मेरी ये हालत हो गई है। तो जो परोपकारी है धर्म के हित जो आपने बलवान देता बलिदान देता है राम उसको तुरंत अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो राम ने कहा कि आप ऐसी हालत में पड़े हुए हो, और देखा दोनों पर उनके कटे हुए हैं। जब उनको गोद में रखने लगे तो राम कहने लगे कि संसार के अंदर जितने भी आदमी हैं जो करप्शन से लड़ने वाले आदमी हैं, धर्म के लिए लड़ने वाली हैं, वो दो पंखों पर खड़े होते हैं, दो पक्ष होते हैं उनके। या तो पक्ष होता है वित्त का, धन का, कि मैं एक संस्था बनाऊं कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं और धर्म की स्थापना करना चाहता हूं, तो इस नाम से पैसा इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग जो है दान दे देंगे।
तो एक पक्ष तो होता है धर्म के खिलाफ, और दूसरा क्या होता है लोकेशना का, बड़े बड़े अखबारों में नाम छपेगा उन्होंने दुष्टों के साथ संघर्ष किया उन्होंने, तो कहते तुमने दोनों पक्ष त्याग दिया, तुम्हारे दोनों पक्ष जो हैं टूट गए, ना तुम ना तो तुम्हारा ये आर्थिक पक्ष मैं पैसे के लिए लड़ रहा हूँ, और ना ये कि मेरी प्रतिष्ठा या जंगल में कौन तुम्हारी खबर छापने आएगा। तो जो आदमी निष्पक्ष होकर के धर्म के लिए लड़ता है, बिल्कुल कोई पक्ष नहीं, हम भी पक्षी हैं, हम भी लड़ते हैं धर्म के लिए, ये संस्थाएं भी बनाते हैं, लेकिन एक भी पक्ष नहीं त्यागा जाता। जब हम लड़ते हैं तो सोचते हैं अखबारों में हमारी खबर छपनी चाहिए, जब हम लड़ते हैं तो चंदा लोग दें हमारे हमें सहायता करें, लेकिन यह दोनों पक्ष त्याग दिए। तो राम ने कहा कि ऐसे आदमी को मैं अपनी गोद में लूँगा। गीद खगादम आमिष भोगी, सब पक्षियों में सबसे नीचा है राम, ये नहीं देखते कि कौन नीची जात का है कौन ऊंची जात का है। अब सबसे नीची जात हमारे यहाँ माने जाते हैं दलित और चांडाल, तो गीद तो कहीं ऐसी दृष्टि है जो आमिष भोगी मांस खा रहे हैं, वो मांस ही खाता है, इसको तो कहीं चांडाल कहना चाहिए। तो राम ने ये नहीं पूछा कि तुम आमिष भोगी हो, राम ने कहा कि गीतराज जो आदमी धर्म के लिए और जो आदमी परोपकार के लिए निष्पक्ष होकर के बलिदान देता है, तो सो गति दीन जो माँ जाचत जोगी, बड़े बड़े योगी वो ये चाहते हैं कि हमें भगवान की गोद मिल जाए, कहते मैं हर एक को गोद में नहीं रहता, मेरी गोद तो केवल उनको मिलती है जो निष्पक्ष होकर के धर्म के लिए बलिदान देते हैं, कोई स्वार्थ नहीं, किसी तरह का पक्ष नहीं। तो गीद को गोद उठाए दया निधि, राम ने गीद को गोद में लिटा लिया। ये स्थिति बड़े बड़े योगी मांगते हैं कि राम की गोद मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती, हजारों भटकते फिरते हैं, तपस्या करते रहते हैं फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी तपस्या अपने लिए करते हैं, परोपकार के लिए नहीं करते, वो धर्म के लिए जान नहीं दे सकते, श्रवण कर सकते, तो उन्हें राम की गोद कहाँ मिलेगी, भगवान की गोद। तो गीद को गोद उठाए दया निधि, भगवान ने गीद को अपनी गोद में उठा लिया, और आंखों में आंसू आ गए, बारी जो लोचन में भरी बारी, लक्ष्मण से कहने लगे भैया ये जख्म है इन पर ठंडा पानी डालोगे तो लगेगा, तो गर्म पानी डालना चाहिए कहीं से गर्म पानी। लक्ष्मण कहने लगे भैया ढूंढता हूँ मैं कहीं लकड़ियाँ उकड़ियाँ मिल जाएँ तो गर्म करूँ, लेकिन गर्म कैसे करूँ, कोई बर्तन तो है नहीं। तो राम ने कहा हो मुझे ध्यान आ गया, माँ ये कहा करती थी कि तेरी आँखें कमल जैसी हैं और कमल की पत्ती बिल्कुल कटोरे जैसी लगती है, तो कहते मेरे पास है बर्तन और कहते गर्म पानी भी है, आँख में से जो आंसू गिरेंगे गर्म गर्म होंगे, तो कहते रहने दो तू ही। तो गीद को गोद उठाए दया निधि, और बारी दे लोचन में अपनी जो कमल जैसी आँखें थीं उनमें पानी भर लिया गरम गरम, और गीद के जख्म पर डालना शुरू किया। गीद को बड़ा चैन मिला, कौन गरम गरम पानी से मेरे जख्म धो रहा है। राम कहने लगे हम आपके जख्म, आपने इतना बड़ा बलिदान दिया है तो आपके जख्म हम धोएंगे अपने हाथ से, हम किसी डॉक्टर वाक्टर पर छोटे मोटे डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते, हम खुद इस बात को करेंगे कि इतना बड़ा बलिदान आपने दिया तो हम आपके जख्म ठीक करेंगे। तो गीद को गोद उठाए दया निधि, बारिज लोचन में भर बारी, अब हाथ से पंख संवार जात, उनके पंखों को जहाँ चोट लग गई थी उनको हाथ से संभालना शुरू किया, जब संभालने लगे तो जख्म बड़े बड़े दिखाई दिए, तो कहने लगे लक्ष्मणी जख्म है इनमें मिट्टी लग गई तो सेप्टिक हो जाएगा, तो इन जख्मों को किसी तरह से साफ करने के लिए कहीं रुई हुई मिल जाए तो लाओ। लक्ष्मण बोले जाता हूँ कोई कोमल फूल मिल जाएंगे या कोई तो ढूंढ के लाऊंगा, कोमों को बोलती क्योंकि जख्म को हार्ड चीज़ से तो साफ नहीं किया जा सकता। तो जब लक्ष्मण चलने लगे फिर राम को याद आ गया, कहने ठहर जाओ ठहर जाओ, जितनी देर में तुम लागोगे इनको तो पीड़ा हो जाएगी। तो राम ने कहा कि मुझे अब ध्यान आ गया कि एक दिन माँ ने कहा था कि तेरे बाल रेशम जैसे कोमल हैं, तेरी जटाएँ बड़ी कोमल कोमल हैं, तेरे बाल बड़े कोमल हैं, तो अपनी जटा खोल दी राम ने। तो गीद को गोद उठाए दया निधि,
बारिज लोचन में भर बारी, और हाथ से पंख संवार जात, जटायु की धूरी जटान से झारी, अपनी जटाओं से एक एक धूल को साफ करने लगे। ये सोच ली, ये नहीं सोचा कि मेरे बाल मेले हो जाएंगे, ये सोचा कि अब गीत को बड़ा चैन मिला बहुत। अब राम ने सारा गीत से बात कर करा के उन्होंने कहा कि अच्छा वैसा है। उसने कहा कि मैं दत्त तुम्हारे पिताजी का बड़ा पुराना दोस्त हूँ, मैंने जब ये सुना कि हाँ राम करती जा रही है सीता, तो मैं समझ गया दशरथ के कुल की वधू है, इसलिए मेरा धर्म हो गया था कि मैं उसकी रक्षा करूं। अपने कुल की वधू की जो रक्षा नहीं कर सकता तो क्या संसार में वो आदमी है। तो राम कहने लगे जब आप हमारे पिता के मित्र हो तो हम आपका जो सारा संस्कार है वो भी पिता की तरह से करेंगे। तो राम ने सारे जटायु के जैसे पिता का पिंडदान वगैरह सब होता है, जटायु की सारी क्रिया की, तो सारा वर्णन उसका, तो बिल्कुल ऐसा उन्हें लगा जटायु को कि मेरे तो कोई संतान है नहीं, लेकिन आज राम किस तरह से मेरा संस्कार करने जा रहे हैं, तो अब मैं प्राण त्यागूं तो ये हो जाए राम की गोद में। जो गति सो गति दीन जो जाचत योगी, बड़े बड़े योगी जिस गति को मानते हैं कि राम के हाथ से हमारा, तो गीत जो थे उन्होंने कहा मैं चैन से प्राण त्याग रहा हूँ क्योंकि मुझे लग गया कि आप मुझे पितृ की तरह से मेरा संस्कार करोगे तो मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा। ये नहीं होगा भाई, इसका कोई पुत्र नहीं था, इसकी दुनिया में कोई पूछ पाछ नहीं हुई ऐसे किसी ने, तो गीत को वहाँ सारा करके। अब दिक्कत ये हुई कि राम कहने लगे गीत से कि हम आपका संस्कार उनकार करने जा रहे हैं, आपका दाह कर्म करेंगे तो यहाँ सारा काम करना पड़ेगा हमें, पिंडदान वगैरह, आप भी हमें कुछ देते जाओ मरते समय। तो गीत बोले क्या दें, कहते अगर आप प्रसन्न हो तो एक काम कर दो। वो कहने लगे क्या काम करना है, कहते हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, गद्दी पे मैं भी नहीं बैठ रहा, छोड़ दिए, और भरत भी नहीं बैठ रहा, राज गद्दी खाली है, तो जब आप ये कह रहे हो कि मैं दशरथ का मित्र हूँ तो एक काम करो हमारे पिता बन जाओ आप, और हमारे पिता बन करके अयोध्या की गद्दी संभाल लो तब तक जब तक के वनवास से मैं लौट के आऊँ। तो गीत कहने लगे राम क्यों अपनी माया फैला के मुझे भ्रम में डालना चाहते हो, संस्कार की मर्यादा क्या है इसको तो जानो। तो राम बोले क्या मर्यादा है, कहते संसार की ये मर्यादा है कि बेटा गोद लिया जाता है, बाप गोद नहीं लिया जाता। जब आपने मुझे अपनी गोद में ले लिया तो मैं तो आपका पुत्र समान हो गया, और जब मैं पुत्र हो गया तो ये अयोध्या का राज क्या करूँगा, आपका जो स्वर्ग का राज है उसको मैं प्राप्त करूँगा, मुझे वहाँ भेज दो, आपका उत्तराधिकारी हो गया मैं। तो राम कहने लगे ठीक है आपको स्वर्ग में पहुँचा देता हूँ मैं। सारी गीत की क्रिया करके राम वहाँ से चल दिए।